ये देखिए बटियागढ़ कॉलेज क्वारंटीन सेंटर है, यहाँ पर जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो भी यहीं पर, एक ही नल है, एक ही जगह पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, यहीं से उनके लिए। और यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये सभी यहीं पर एक ही जगह पर इनके लिए उपयोग के लिए दिया गया है सामान। ऊपर उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं है जहाँ इनके लिए क्वारंटीन किया गया है। इनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी, आज लेकिन इसी केवल एक ही नल है जो ये पानी पी रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरा व्यवस्था भी नहीं है, ना ऊपर वालों के जो यहाँ पर नीचे क्वारंटीन हैं उनके लिए भी केवल एक ही है, तो यहीं से हम लोग भी पी रहे हैं, यहीं से ये पॉजिटिव वाले भी पी रहे हैं। अगर इस तरह की ये व्यवस्थाएँ रहीं तो जो मैंने पॉजिटिव नहीं है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी देखिए यहाँ पर इस तरह से पड़ी रहती है गंदगी हमेशा, सफाई उफाई भी नहीं हो रही है। ये देखिए डस्टबिन पूरे भरे, क्वारंटीन हैं उनके लिए ना तो कोई अभी तक दवाई दी जा रही है, ना ही कोई यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है। एक ही नल है, एक ही जगह से केवल सभी लोग पानी भर रहे हैं और पी रहे हैं, और ना पर यहाँ तो व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी दे रहे हैं और ना ही कुछ इलाज किया जा रहा है, ना कोई गर्म पानी की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बताइए यहाँ पर ऐसे में लोग कैसे जीवित रह पाएंगे। इस तरह से अगर ये व्यवस्थाएँ रहीं तो आगे भविष्य में और मुश्किल बड़ी खड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी क्वारंटीन हैं उन लोग का क्या होगा, वो तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे। इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर, ये बटियागढ़ कॉलेज क्वारंटीन में हैं, जहाँ पर जो सभी लोग जितने भी आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ साहू परिवार के भी हैं जो यहाँ पर अभी पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उनके लिए केवल ये कहा गया है कि भाई आप लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, और उनके साथ में जो भी है अभी ना तो डॉक्टरों की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ इनसे भी पूछा गया है तो ये भी बता रहे कि ना हमसे कोई डॉक्टर आया है पूछने अभी तक, और ना ही कोई दवाई दी गई है। डॉक्टरों से अगर बात करें तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं, बोले जहाँ पर हो वहीं पर रहो, जो कुछ है उसी में रहो। तो इस तरह से तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा।